So, hey guys, कैसे हो आप सब? I hope guys, आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप 5 फोटोग्राफी एप्लीकेशन कौन से है, I mean टॉप 5 फोटो एडिटिंग कौन से एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से गाइस आप अपने फोन में प्रीमियम लेवल के फोटो को एडिट कर सकते हैं और फोटो को क्लिक भी कर सकते हैं। सो हे गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के काउंटडाउन को। सो ही कैसे बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन की जो कि निकल के आती है स्नैपचैट। कैसे मैं बता दूँ, स्नैपचैट जो एप्लीकेशन है वो मेरा फेवरेट एप्लीकेशन है फोटो एडिटिंग के लिए। तो कैसे इसे सिंपली आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अब चलिए कैसे मैं आपको इस एप्लीकेशन का एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। तो इंस्टॉल करने के बाद गैस सिंपली इस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद गैस देखेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी, आप इसे बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको अपने फोटो को एडिट करने के लिए बीच वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से अपने उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। तो लाइक गैस यहाँ से मैं कोई एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे गैस मैं सिंपली अपने फोटोज वाले सेक्शन पे जाऊँगा और यहाँ से इस वाले फोटो को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद गैस ये ऑटोमेटिक इस एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास बहुत सारे लुक्स अवेलेबल है। यहाँ से आप इस कोई भी लुक्स को इस फोटोज में जो है गैस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे जो है गैस आपके पास लुक्स आ जाएंगे। अब गैस बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि है टूल। यहाँ पे अगर आप टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि टोन इमेज, क्रॉप, रोटेट, एक्सपांड, हीडिंग, ब्रश, बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आप अपने फोटो को एडिट करने में यूज कर सकते हैं। तो गैस ये था एक छोटा सा डेमो इस एप्लीकेशन का। सो है गैस, जब बात करते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट एप्लीकेशन की जो कि है पिक्सर। तो गैस जैसे कि आप सभी को पता है, पिक्सर को डाउनलोड करने के लिए सिंपली अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, तो मैं सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद गाइज आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। क्रिएट योर ओन नेटवर्क। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप साइन अप पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन में साइन अप कर लीजिए। अगर आप साइन अप नहीं करते तो भी चलेगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो गाइज अब फोटो एडिटिंग करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से एडिट अ फोटो वाले सेक्शन को क्लिक करना है। यहाँ से अपने इमेज को चूज कर लेना है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। तो जैसे गैस मान लीजिए मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को चूज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड को चूज करने के बाद गैस देखेंगे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि टूल में क्लिक करिएगा तो क्रॉप, रिक्रॉप, सेप क्रॉप, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। तो इस चीज़ की हेल्प से आप अपने फ़ोन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। सो हे गैस, अब बात करते हैं इस वीडियो के थर्ड एप्लीकेशन की जो कि है लाइट रोम। सो गैस मैं आप सभी को एक और बात बता दूँ, ये जो मैं नंबर वाइज आप सभी को एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि एप्लीकेशन उतना खास है, उतना बेटर नहीं है। हर एप्लीकेशन अपनी अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस एप्लीकेशन को किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में, तो कैसे सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ये फ्री भी है और प्रीमियम भी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस एप्लीकेशन को फ्री में यूज़ कर सकते हैं या फिर आपका प्रीमियम लेना है। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद गए सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गैस देखेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो गैस अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक स्किप का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गैस आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। तो आपको सिंपली अडोबी अकाउंट से साइन इन कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे गूगल अकाउंट या फिर फेसबुक या फिर एप्पल आईडी से भी साइन इन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली गैस इसे गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद गैस आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। तो अगर गैस आप टॉप कॉर्नर पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखेगा। अगर आप सिंपली इस पर टैप करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपके जितने भी अकाउंट से रिलेटेड ऑप्शन है वो सब दिए गए हैं। अकाउंट, प्रीमियम फीचर्स, प्रेफरेंस, व्हाट्स अ न्यू अबाउट लाइटरूम, डिवाइस इन्फो, स्टोरेज और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, तो आप इसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हम एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, हम इस एप्लीकेशन में फोटो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो क्या सिंपली आपको नीचे एक ऑप्शन दिया जाएगा, पिक्चर प्लस का ऑप्शन दिया जाएगा, उसको सिंपली आपको टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आपसे परमिशन मांगा जाएगा, आपको सिंपली अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद गाइस यहाँ से कोई भी एक पिक को यहाँ पे फोटो को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद गाइस आप उस एप्लीकेशन उस फोटो को बहुत ही इजीली तरीके से एडिट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से एक एप्लीकेशन को जो है गाइस चूज कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से मैं इस फोटो को चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद गाइस सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये जो फोटो है गाइस ये लाइट रूम एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद गाइस आपको एक ऑल फोटोज का ऑप्शन होगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस देख सकेंगे आपका जो इमेज है यहाँ पे आ चुका है। तो आप सिंपली इस पर टैप कीजिए।
टैप करने के बाद गाइज आप देखेंगे नीचे की तरफ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो इस चीज़ के हेल्प से गाइज आप अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो गाइज बेसिक एडजस्टमेंट है, तो आप यहाँ पे गाइड पढ़ लीजिए या फिर आप इसे स्किप कर लीजिए। मैं इसे स्किप कर दिया हूँ। स्किप करने के बाद गाइज देखेंगे आपको नीचे लाइट का एक ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से अपने लाइट को एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइज आप इस एप्लीकेशन के हेल्प से अपने फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हो और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। सो हे गाइस, लेट अस टॉक अबाउट आवर फोर्थ एप्लीकेशन विच इज फोटो लैब। सो गाइस, फोटो लैब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। इसके अंदर एक बहुत ही खास फीचर है। चलिए गाइस मैं आपको उस फीचर के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और सिंपली उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आप देखेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। सिंपली आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोला जाता है, तो आप सिंपली इसे ले भी सकते हैं और नहीं भी मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल करने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक टॉप है, एक ट्रेंडिंग है और एक रिसेंटली है। तो आप इस तीनों में से कोई भी इमेज को सिलेक्ट करके अपने इमेज को एडिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए गाइस यहाँ पे मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद गाइस इसमें क्या है, आप कोई भी इमेज को ऐड कीजिए, ये जो आपको सेकंड वाला इमेज हो रहा है वैसे सेम ऑटोमेटिकली वहाँ पे एडिट हो जाएगा। तो मैं सिंपली इस वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस देखेंगे यहाँ पे आपको ऐड शो होगा, सिंपली आपको यहाँ पे कट कर देना है। कट करने के बाद गाइस ऊपर साइड में आप देखेंगे प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो हमारा इमेज है वो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद गाइस अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप एनिमेट, आर्ट इफेक्ट और ऐड योर टेक्स्ट, मतलब तीनों में से किसी भी चीज़ को यहाँ पे इजीली आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निखिल, यहाँ पे निकल लिखने के बाद ऐड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये नेम ऐड हो चुका है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, इसे आप कौन से फॉन्ट में रखना चाहते हैं, कौन से डिज़ाइन में रखना चाहते हैं, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस तरीके से इस एप्लीकेशन में बहुत ही इजीली अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद गाइस सिंपली आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर लेना है। सो हे गाइस, अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट एप्लीकेशन की, जो कि है पिक्सर। जी हाँ गाइस, इस एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन गाइस ये एप्लीकेशन काफ़ी बेस्ट है अपने फोटो एडिटिंग के लिए। अरे चलिए मैं आपको इस एप्लीकेशन का एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। तो सिंपली गाइस इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से ओपन कर लेना है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपके पास चार ऑप्शन दिखेंगे, कैमरा, सेकंड फोटो, थर्ड कॉलर्स एंड फोर्थ टेम्पलेट। आप यहां से कोई भी एक ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। एक और बात गाइस मैं बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है एकदम फ्री है, यहां पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस सिंपली आप अपने फोटोज वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से जिस भी इमेज को आप एडिट करना चाहते हैं सिंपली उस वाले इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे गाइस यहाँ से मैं किसी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो गाइस मैं इस वाले इमेज को सिलेक्ट करके सिंपली इसको एडिट करूँगा। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे ये जो इमेज है वो हमारे पिक्सर एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद गाइस आप नीचे देखेंगे आपको चार से पांच ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस के हेल्प से गाइस आप अपने फोटो को काफ़ी इजीली जो है गाइस एडिट कर सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले वाले ऑप्शन की, तो अगर इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे जो है टूल अवेलेबल मिल जाते हैं, जैसे कि क्रॉप है, रोटेट है, ऑटो फिक्स है, एडजस्टमेंट, ब्लर, स्मूथ, बहुत सारे ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आराम से अपने फोटो को जो है गाइस एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्रॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने इजीली तरीके से क्रॉप भी हो चुका है फोटो। तो गाइस इस तरीके से इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद गाइस सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे इस फोटो को सेव इमेज पे करना या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, किस पे आपको शेयर करना है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं सिंपली सेव इमेज पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से साइज में इसे सेव करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे मैक्स वाले पे क्लिक कर दूंगा, ओके पे क्लिक कर दूंगा और ये जो इमेज है वो सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इमेज है सेव हो चुका है। तो आप गाइस सिंपली इसे गैलरी में जाके इस इमेज को देख सकते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे देखिए ये इमेज जो है गाइस यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप उस एप्लीकेशन की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरीके से अपने फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी सभी ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि बाकी प्रीमियम वाले एप्लीकेशन में होते हैं। सो हे गाइस, ये थे वो एप्लीकेशन जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया।
बाकी गाइस आप कौन से एप्लीकेशन को यूज करते हैं अपने फोटोज को एडिट करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।